वैष्णव धर्म में अनंत निष्ठाएं हैं, अवांतर भेद करके उनमें बहुत भेद हो जाते हैं। जैसे नवधा भक्ति, नवधा निष्ठाएं ही तो हैं, पर भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी ने उसी का विस्तार किया है, तो उन्होंने 64 प्रकार माने हैं भक्ति के, माने भक्ति की 64 निष्ठाएं मानी। तो 64 निष्ठाएं हैं, और भेद करो तो और अवांतर भेद करने से और अधिक हो जाएंगे। किंतु यदि हम ये कहें कि बहुत कम से कम निष्ठाओं में आप वैष्णव धर्म को परिभाषित करें, तो वैष्णव धर्म में प्रधान 3 निष्ठाएं। पहली निष्ठा है भगवन नाम निष्ठा, ये प्रथम निष्ठा है नाम निष्ठा। नाम साधन की तुलना किसी भी साधन से करना नामापराध। वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने पवित्र सत्कर्म हैं, उनका हजारों हजारों बार सविधि अनुष्ठान किया जाए, उससे जन्य जो पुण्य होगा, और एक बार श्री राम नाम, हरि नाम, भगवन नाम के उच्चारण का जो पुण्य होगा, वह पुण्य, उस पुण्य की 16वें अंश की बराबरी भी संपूर्ण शुभ कर्म एक साथ हजारों हजारों बार सविधि किए जाने पर भी नहीं कर सकते। नाम सर्वोपरि है, नाम की तुलना किसी साधन से नहीं करनी, और करेंगे भी क्यों। ब्रह्म राम ते नाम गढ़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, राम चरित सत कोटि मह, लिय महेश जी जान। भगवान नाम सर्वोपरि। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने कितनी विलक्षण बात कही है, बोले जिसको राम जी से भी अधिक उनके नाम में प्रेम है, वही ईमानदारी से भक्त कहलाने के योग्य है। गोस्वामी जी कहे, ठाकुर जी प्रकट होकर के वैष्णव के सामने प्रस्ताव करें कि देखो, एक तो हमें, एक हमारा नाम है, एक का चुनाव कर लो, एक रहेगा तुम्हारे पास, हमको रखना चाहते हो कि हमारे नाम को, तो चतुर भक्त होगा तो यही कहेगा, प्रभु आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जहां आपको घूमने फिरने की इच्छा हो घूमो फिरो, सबको आनंद दो, सब पर कृपा करो, हमारे ऊपर तो बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपका पवित्र नाम हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए, हमारे मन में, हमारी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम प्रतिष्ठित हो। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा, वैष्णव धर्म तुलसी का अतिशय आदर करना, तुलसी का नित्य पूजन करना, तुलसी में नित्य जल चढ़ाना, संध्या काल में तुलसी के निकट दीपदान करना, तुलसी की भी नवधा भक्ति का वर्णन है। तुलसी जी से प्रार्थना करना कि हे विष्णु प्रिय, हरि प्रिय, आप हमें भगवत प्रियता प्रदान करें, भगवान का दिव्य प्रेम हमें प्रदान करें, भगवान की भक्ति का दान हमें करें।
तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। महाराज जी, नामदेव जी में तीनों निष्ठाएं, महाराष्ट्र के महान संत नामदेव महाराज में तीनों निष्ठाएं। नाम निष्ठा, क्या कहना नामदेव जी की नाम निष्ठा। नामदेव जी का नाम ही इसलिए पड़ा, उन्होंने नाम को ही अपना इष्ट देव माना। नाम ही है आराध्य देव इष्ट देव जिनका, ऐसे श्री नामदेव जी, अद्भुत नाम निष्ठा है उनकी। उनकी तुलसी निष्ठा भी अद्भुत है, उनकी नाम निष्ठा तुलसी निष्ठा का एक विलक्षण उदाहरण। पंढरपुर में एक वहां के सबसे अधिक धनाढ्य व्यक्ति ने, श्रीमंत व्यक्ति ने, बहुत विराट उत्सव किया, उसमें सर्वस्व दान की घोषणा की, बहुत दान किया, स्वर्ण दान, अन्न दान, गोदान, धन दान। तो लोगों ने कहा, महाराज इतना बड़ा काम कर रहे हो, पंढरपुर के एक वैष्णव भक्त हैं नामदेव महाराज, हैं तो गृहस्थ लेकिन महान भक्त हैं वो, उनके यहाँ साधु सेवा होती है, गौ सेवा होती है, उत्सव होते रहते हैं, तो आपके धन का उत्तम उपयोग होगा, आप उनको भी कुछ धन जरूर दें। तो उन्होंने संदेश भेजा, नामदेव जी ने कहा, न तो हम साधु हैं और न हम ब्राह्मण हैं, तो हम दान के पात्र नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम तो जो कुछ अपने परिश्रम से करते उसी से सेवा करते हैं। लेकिन जब बार बार आग्रह बढ़ता चला गया तो नामदेव जी ने सोचा, बेचारा दुखी होगा तो जाना चाहिए। नामदेव जी पहुंच गए, उसने कहा, महाराज ले लो कुछ, जो आप कह दोगे सो ही आपको देंगे, क्यों, आप तो बड़े त्यागी हैं, आपके मन में धन का लालच नहीं है, आप ही सच्चे पात्र हैं, आप जो कह दोगे सो हम देंगे, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि जिस वस्तु में करोड़ों बीमारियां भरी हैं, रोग भरे हैं, उसको हम लेकर करेंगे क्या। जा में भरे कोटि रोग हैं, करोड़ों रोग धन में बढ़े हुए हैं, सारी बीमारियां धन की हैं, हम इसको लेकर क्या करेंगे। नहीं महाराज, आप हमारे यहां आने के बाद बिना लिए चले जाएंगे तो इससे तो हमारी भी बहुत बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, आप तो महात्मा हैं, आपको क्या है, हमारी बड़ी बदनामी होगी, इतने बड़े आदमी के यहाँ जाके कुछ नहीं, खाली हाथ चले आए। तो नामदेव जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और नामदेव जी ने कहा कि ठीक है, तो आप स्वर्ण देना चाहते हैं हमको, तो हम जितना कहें उतना आप देंगे, वहां जरूर देंगे। तो कहा एक तुलसी का पत्ता लाओ, एक तुलसी का पत्ता आ गया। उस तुलसी के पत्ता पर पूरा राम नाम नहीं लिखा, उन्होंने चंदन से लिखा रा, क्या लिखा, राम नहीं लिखा पूरा, केवल लिखा रा, और वो इसके बराबर तौल दो। तो वो सेठ हंसने लग गया, उसने कहा, महाराज हम तो श्री कामतानाथ भगवान की जय। दंडोत महाराज, आपके बड़े मंगलमय दर्शन। तो महाराज इतना कम जो उदार दाता दसवीं मन सोना दे सकता है, उसको आप एक तुलसी के पत्ता पर, इसके बराबर क्या, रत्ती भर भी नहीं चढ़ेगा इस पर। तो नामदेव जी बोले, हमको तो इतना ही दे दो। तो उसी हिसाब से छोटा सा तराजू एक छोटे से पड़ले पर रखा, आधा राम नाम लिखा हुआ तुलसी के दल पर, और एक तरफ उसने उदारता दिखाते हुए दो चार तोला सोना रख दिया।
पर आश्चर्य की बात है, तुलसी का पत्ता तो जमीन ही नहीं छोड़ता, तो पड़ले वाला दूसरा तराजू बदला और सोना रखा, होते होते तराजू बदलते बदलते सोना बढ़ाते बढ़ाते यही हालत हो गई। उसके पास जितना सोना था सब उसने हीरे जवाहरात सोना मणिमुक्ता सब रख दिया, लेकिन वो तुलसी का पत्ता जमीन ही नहीं छोड़े, पलड़ा जमीन से ही लगा रहे। आश्चर्यचकित हो गया, बड़े आदमी को मिल भी जाता है उधार। उन्होंने कहा, भाई देखो हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी सहायता करो। नाते रिश्तेदार भी बड़े धनाढ्य थे, उन्होंने भी अपना अपना हिसाब किताब लिख करके धन रखा, लेकिन फिर भी कोई बराबरी नहीं। तब नामदेव जी ने कहा, देखो एक उपाय और करो, आपने आप बड़े धर्मात्मा हैं, दानवीर हैं, बड़े बड़े यज्ञ आपने किए हैं, तो आप अपने जीवन का जितना सुकृत है पुण्य है, व्रत उपवास तीर्थ यात्रा आदि का जितना पुण्य है जितना सुकृत है वो सब संकल्प करके छोड़ दो, हो सकता है शायद कहीं आपका काम बन जाए। हाँ ये बात तो आपने ठीक कही। तो संकल्प पूर्वक सपने पुण्यों का संकल्प करके जैसे ही वहां छोड़ा तो भी कुछ नहीं। अंत में वह बोला, महाराज इतना ही ले लीजिए। उन्होंने कहा, हम इतना कैसे लें? अरे भाई तुम बराबरी की बात भाई है, इसके बराबर दे दो। कांटा थोड़ा इधर उधर हो तो चलेगा, और कांटा तो पड़ला तो एकदम जमीन पर चिपका है, वो कांटा हिला तक नहीं, ये तो नहीं चलेगा, ऐसा तो सौदा कहीं संभव नहीं है। तब आपने कहा, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप इस धन को जिसको देना चाहें उसको दे दें। हम तो यही आपको समझाना चाहते हैं कि भगत जी ये सब तो जीवन भर आपने कर लिया, लेकिन अब शेष जीवन श्री तुलसी की आराधना में और श्री नाम महाराज के लिए अपना समर्पित करो। आधे राम नाम की बराबरी तुम्हारे सारे सुकृत एक साथ मिलकर नहीं कर सके, सारा धन मिलकर नहीं कर सका। अरे तुम्हारी क्या चले, त्रिलोकी का सुकृत और त्रिलोकी का वैभव भी वह आधे राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता है। और आपने तुलसी दल अपने मुख में पधराया और नाचने लगे, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, कीर्तन करने नामदेव जी की एकादशी निष्ठा भी ऐसी ही। प्रत्येक एकादशी नामदेव जी निर्जल करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। रात्रि को जागरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, स्वयं तो निर्जल करते ही हैं, परिवार में भी लोग कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, और उस दिन किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं, अन्न नहीं देते किसी को भिक्षा में, ज्यादा कोई भूखा आ जाए तो दूध ले लो फल ले लो, अन्न नहीं देते, न खाते न किसी को देते। तो उनकी व्रत निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं पंढरीनाथ भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और लाठी टेकते हुए आए, आकर के नामदेव जी के द्वार पर ही लुढ़क गए। नामदेव जी ने दौड़कर ब्राह्मण देवता को हाथ से पकड़ के उठाए बिठाए, महाराज क्या हुआ? अरे बोले, पता नहीं कितने दिन हो गए अन्न भीतर गया नहीं है, तो अन्न के बिना प्राण ही निकल रहे हैं, भूख के मारे जान निकल रही है, कुछ लाओ। तो आपने कहा कि अवश्य आपको हम देते, लेकिन आज तो आपको हम कुछ दे नहीं सकते, आप प्रेम से विराजें, कल द्वादशी को आपको पारायण करा के तब हम फिर प्रसाद पाएंगे, हम भी पारायण करेंगे, हमारी आज एकादशी है। तो
ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, अरे भाई तुम कल कहते हो अन्न देने की बात, और हम तो इतने भूखे हैं कि हम तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम तो मर ही जाएंगे, हमारा तो प्राणांत हो जाएगा। नामदेव जी ने कहा कि यदि ऐसा हो जाए तो इससे अधिक सौभाग्य की और क्या बात होगी, क्योंकि आप वृद्ध हैं। कितनी उम्र है? तो ठाकुर जी बोले 125 साल की है। बोले और कितना जियोगे आप, तो परमायु को भी पार कर गए, 120 साल की परमायु होती है। आज यदि आपका प्राण छूट जाए तो भगवान का वैकुंठ का द्वार बिल्कुल खुला रहता है, आप सीधे वैकुंठ जाएंगे, पर आपको अन्न तो हम नहीं दे सकते, आपको बहुत भूख लगी है, आपको हम दूध दे देते हैं, दूध ले लो। बोले उससे हमको कफ बढ़ता है, हम बहुत वृद्ध हैं, दूध नहीं पी सकते, दही ले लो। अरे बोले तो निमोनिया हो जाएगा, दही भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो फल ले लो, कहते जुखाम हो जाएगा, बहुत ठंड करता है, फल हम कभी नहीं खाते, हमको तो बहुत नुकसान करता है। क्या खाओ? दाल भात खाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। बोले तो वो तो नहीं मिलेगा। ठाकुर जी बोले कि देखो 5 साल से कम जिसकी आयु है उसको, और 90 साल से ऊपर जिसकी आयु है उसको यदि एकादशी न करे तो दोष नहीं लगता, और हम तो 90 क्या, हम तो 100 के भी बहुत आगे चले गए हैं। बोले वो ठीक है, लिखा है तो आप उसको स्वीकार करते हैं, हम भी उसको मना नहीं करते, लेकिन हमारा तो नियम है हम एकादशी को कुछ लेते भी नहीं, और कोई कुछ भी मांगे हम देते भी नहीं किसी को। हम तो चाहते हैं कि आप भले ही आप कहते हो हम एकादशी ही नहीं करते, हम तो छोड़ दिए एकादशी, तो कोई बात नहीं, आज तो कर ही लो, हम आपका व्रत भंग क्यों करें, हमारे यहां तो आपको एकादशी करनी पड़ेगी। तमाम भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, लोग कहने लगे हम लोग एकादशी नहीं करते हैं, हमारे घर में चल के आप भोजन कर लो, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे घर में खा सकते हो आप। ठाकुर जी बोले नहीं, हम तो इसी के दरवाजे पर प्राण देने आए हैं, ये जिद्दी है, हठी है, कहता नहीं खिलाएंगे, हम खाएंगे तो इसी के यहां खाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। और नाटक करते करते ठाकुर जी तो चारों खाने चित्त हो पधार गए। लोगों ने नामदेव जी को खरी खोटी सुनाना आरंभ कर दिया और कहा कि बड़ा भारी भक्त बनता है, ब्रह्म हत्या लग गई इसके ऊपर, बताओ कितना तपस्वी भूखा ब्राह्मण दया का पात्र था, बड़ा भारी भगत बनता है, ब्राह्मण मर गया, इसको ब्रह्म हत्या लगी, इसका सब बहिष्कार करेंगे, समाज से बाहर करेंगे इसको, इसका हुक्का पानी सब बंद करो, अब इसके कोई कुआ पे पानी नहीं भर सकता, इस ब्रह्म हत्या इसको लगी है। बोले हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम हत्यारे हो, कह के चले गए। नामदेव जी कुछ नहीं बोले, बोले भगवान के विधान सब मंगलमय है, जैसी भगवान की इच्छा, हमें भले पाप लग गया हो पर ब्राह्मण तो आज भगवान के धाम को चला गया, इतना तो संतोष है। दिन भर व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, ब्राह्मण का शरीर पड़ा हुआ है, और प्रेम से परिवार सहित कीर्तन किया, जागरण किया, और जब प्रातः काल हो गया द्वादशी, तब आपने अपनी पत्नी और पुत्र से कहा कि देखो अब इस शरीर को ब्रह्म हत्या लग गई, अब ये पंढरीनाथ जी के दर्शन के योग्य तो रहा नहीं, और सबने बहिष्कार भी कर दिया है, तो क्या अपनी एकादशी तो हो ही गई, तो हमको अनुमति दो, हम तो अब अग्नि प्रवेश करेंगे। पत्नी ने कहा हम भी करेंगे, पुत्र ने कहा हम भी करेंगे, तो ठीक है सब लोग चलो अग्नि में जीवित ही जल जाओ। तो खूब लकड़ी कंडा इकट्ठा करके बड़ी चिता बनाई और ब्राह्मण देवता के शरीर को पधरा दिया उस पर, और फिर खुद बैठना चाहते थे परिवार सहित, तो पहले अग्नि लगाई,
जैसे ही अग्नि लगाई श्री सनकादिक भगवान की जय। जैसे ही अग्नि लगाई महाराज जी, ठाकुर जी को नेक आंच लगी होगी तो ठाकुर जी के शरीर में हलचल आई, वो तुरंत चिता से उतरे और नामदेव जी का हाथ पकड़ के और खींच लिया बाहर ठाकुर जी ने। और वहां भीड़ इकट्ठी थी कि जिंदा जलना चाहता परिवार के सहित, भगवान ने उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगाते हुए इस ब्राह्मण को तो सबने देखा, तत्काल वह ब्राह्मण अंतर्हित हो गया। लोगों ने यही देखा कि ब्राह्मण ने हृदय से लगाया, पर ब्राह्मण नहीं साक्षात श्री पंढरीनाथ भगवान ने अपनी भुजाओं में भर के नामदेव जी को हृदय से लगाया, कहा तुम महान वैष्णव हो, तुम्हारी एकादशी निष्ठा की परीक्षा हमने ली और तुम उत्तीर्ण हुए, भगवान अंतर्धान हो गए, आप भाव विह्वल हो गए। तब आपने कहा कि वो ब्राह्मण नहीं साक्षात पंढरीनाथ भगवान थे। तो वहां लोग जितने थे सबने नामदेव जी जिस निष्ठा से व्रत करते हैं उसी निष्ठा से व्रत करने का निश्चय किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।